हेलो स्टूडेंट, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट सम टॉपिक थ्री ऑफ थीम थ्री, सोशल डिफरेंसेस विद इन एंड बियॉन्ड द कास्ट, सामाजिक विषमताएं एंड वर्ण व्यवस्था। सामाजिक विषमताएं कि समाज में कितने आपस में भेदभाव थे, कितनी विषमताएं थी, वहां पर डिफरेंसेस कितने थे उसके बारे में, एंड कास्ट सिस्टम क्या था, वर्ण वर्ण व्यवस्था क्या थी, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें यू नो द टर्म कास्ट, हमने कास्ट के बारे में, जाति के बारे में तो बहुत सुना है, विच रेफर्स टू सोशल कैटेगरीज, जो समाज सामाजिक वर्णिक वर्गीकरण को दर्शाता है कि समाज में लोग बटे हुए थे, जातियों में बटे हुए थे। दिस आइडियल ऑर्डर वॉज लेड डाउन इन धर्म सूत्राज एंड धर्म शास्त्राज। ये जो कास्ट का जो सोशल कैटेगरी सिस्टम है, ये किसमें हमें लिखा हुआ मिलता है, किसमें ये अंकित मिलता है, ये किसमें मिलता है हमें, धर्म सूत्राज में एंड धर्म शास्त्राज में, धर्म सूत्र एंड धर्म शास्त्र में। ब्राह्मण्स क्लेम्ड दैट दिस ऑर्डर वाज डिवाइनली ऑर्डेंड। जो ब्राह्मण लोग थे वो ये दर्शाते थे या ये कहते थे, उनका ये मानना था कि जो सोशल कैटेगरी है, सोशल सिस्टम बनाया गया है, ये किसके द्वारा बनाया गया, दैवीय व्यवस्था है, ये परमात्मा के द्वारा, भगवान के द्वारा इसको बनाया गया है। तो जिसमें ब्राह्मण्स वर रैंक्ड फर्स्ट इन दिस ऑर्डर, और जो इस व्यवस्था में जो ब्राह्मण थे वो पहले नंबर पे आते थे, एंड शूद्रज एंड अनटचेबल्स एट वेरी बॉटम ऑफ द सोशल ऑर्डर। और इस सामाजिक व्यवस्था के सबसे नीचे पायदान पे कौन आते थे, शूद्रज एंड अनटचेबल्स, जिनको के अस्पर्श स्पर्श नहीं करना, वो लोग सबसे नीचे पायदान पे आते थे। पोजीशन विद इन द ऑर्डर वॉज सपोज डिटरमाइंड बाय बर्थ। जो भी इसमें इस व्यवस्था में जो भी पोजिशन होती थी व्यक्ति की, वो किसके द्वारा निर्धारित की जाती थी, जन्म के द्वारा। जिस कैटेगरी में जन्म हो गया वो उसी कैटेगरी के साथ संबंधित होता था। अब 3.1 उचित जीविका, और इन लोगों के सोशल कैटेगरी के हिसाब से इनकी जीविका क्या थी, ये अपना जीविका का साधन कौन सा अपना सकते, राइट ऑक्यूपेशन कौन सा, इन्होंने जीविका का कौन सा तरीका अपनाना होता था, अपने वर्ग वर्ण के हिसाब से, अपनी सोशल कैटेगरी के हिसाब से ये क्या क्या काम कर सकते थे। धर्म सूत्राज एंड धर्म शास्त्राज कंटेन रूल्स अबाउट आइडियल ऑक्यूपेशन। धर्म सूत्रा एंड धर्म शास्त्र में ये भी रूल लिखे हुए थे, ये नियम लिखे हुए थे कि फोर कैटेगरीज जो बनी हैं सोशल कैटेगरी, जो फोर सोशल कैटेगरीज है जिनके बारे में पढ़ रहे हैं आगे, वो क्या क्या काम कर सकती हैं अपनी जीविका के लिए, वो क्या काम कर सकती हैं इसके बारे में। सबसे नंबर वन पे जैसे हमने देखा था, रैंक फर्स्ट ब्राह्मण्स, ब्राह्मण्स पहले नंबर पे आते हैं। वर सपोज टू स्टडी वेदास परफॉर्म सैक्रीफाइस, ये क्या काम करना था उन्होंने, वेदों का अध्ययन करना, ब्राह्मणों का कहा था अध्ययन करना, वेदों की शिक्षा देना, यज्ञ करना और लोगों को गिफ्ट देना और उनसे दान देना और दान लेना। अपने से छोटे लोगों को दान देते थे ब्राह्मण और दान लेते थे, ये काम था उनका। उसके अलावा वो कोई और काम नहीं कर सकते थे। क्षत्रिय वर टू एंगेज इन वारफेयर, क्षत्रिय काम क्या था, युद्ध करना, लोगों की रक्षा करना, न्याय देना और जो यज्ञ परफॉर्म करना, यज्ञ करना और दान देना, ये क्षत्रिय काम था। क्षत्रिय इसके अलावा कोई और काम नहीं कर सकते थे। वैश्यस, वैश्य पर अगेंस्ट टू ट्रेड, जो व्यापार करते थे, जिनको बनिया भी बोलते हैं, वैश्यस वैश्य जो जो व्यापार करते थे, जहाँ कृषि करते थे, जहाँ फिर वो सैक्रीफाइस परफॉर्म्ड, वो यज्ञ करते थे, यज्ञ करते थे, इसको लिखते हैं वैश्य से, वैश्य, ठीक है, जो वैश्य थे वो क्या करते थे, व्यापार करते थे, एग्रीकल्चर, जहाँ फिर सैक्रीफाइस परफॉर्म, यज्ञ करते थे और दान देते थे और गौ पालन करते थे, ये उनके काम थे, तीन कैटेगरी। और चौथी कैटेगरी कौन सी है, शूद्राज। शूद्राज वर असाइंड ओनली वन ऑक्यूपेशन, शूद्रा का सिर्फ एक ही काम था, क्या था, दैट ऑफ सर्विंग थ्री हायर वर्नस। थ्री हायर वर्नस कौन कौन से हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय एंड वैश्य, इन तीनों की सेवा करना किसका काम था, किसका काम था, जी शूद्रों का काम था। ये जो साइन जो की हुई थी ड्यूटी, सारे जो काम दिए हुए थे किसमें थे, ये सारे ब्रह्म सूत्र और ब्रह्म शास्त्र में लिखे हुए थे। ब्राह्मण्स इन्वॉल्व्ड टू और थ्री स्ट्रेटजीज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है, एक तो यही है क्वेश्चन कि उनकी जीविका कैसी थी, जब वर्ण व्यवस्था में कौन कौन से वर्ण थे, ठीक है, वर्ण व्यवस्था में कौन से चार वर्ण थे उनको मेंशन करो। अगला क्वेश्चन ये बनता है, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ डिड दीज नॉर्म्स वर इन्फोर्स्ड ऑन द पीपल। ये जो रूल्स थे जो भी हमने पीछे पढ़े कि सबने ये काम करना, क्षत्रिय ये करेंगे, ब्राह्मण ये करेंगे, वैश्य ये काम करेंगे, शूद्र जी, ये जो नॉर्म्स थे, नियम थे, इनको लोगों के ऊपर कैसे लागू किया जाता था, जो ब्राह्मण थे इनको इनका नियमों का पालन कैसे करवाते थे, ब्राह्मण्स इन्वॉल्व टू, इसके लिए दो तीन नीतियां अपनाते थे वो, इनको लोगों के ऊपर लागू करवाने के लिए इन नियमों को। दे वर टू एसर्ट
ये लोगों को ये समझाते थे, ये लोगों को ये बताते थे, द वर्न ऑर्डर वॉज ऑफ डिवाइन ऑरिजिन। सबसे पहली बात तो यही कहते थे लोगों से, वो लोगों को ये समझाते थे कि ये जो वर्ण ऑर्डर बनाया हमने, जो चार वर्ण बनाए हैं, वो किसके द्वारा बनाए गए हैं, भगवान के द्वारा बनाए गए, डिवाइन ऑर्डर, दैवीय व्यवस्था है वो हमारे द्वारा नहीं बनाए गए, वो दैवीय व्यवस्था है, इसलिए वो चार वर्ण बने। दे एडवाइज किंग्स टू इंश्योर दैट दीज नॉर्म्स वर फॉलोड विद इन देयर किंगडम। वो राजाओं को भी उपदेश देते थे, राजाओं को ये बताते थे, राजाओं को जो उपदेश देते थे कि वो ये इंश्योर करें ये कि ये व्यवस्था है, निजमों का पालन वो अपने राज्यों में करवाएं, अपनी जनता से अपने राज्यों में इन नियमों का पालन करवाएं। दे अटेम्प्टेड टू परस्यूड पीपल, वो लोगों को भी परस्यूड, लोगों को भी समझाने की कोशिश करते थे, दैट देयर स्टेटस, कि उनकी प्रतिष्ठा वॉज डिटरमाइंड बाय द बर्थ, जिस वर्ण में उनका जन्म हो गया वो उनकी जो प्रतिष्ठा है वो उसी के साथ उनकी प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है। दिस वॉज इन्फोर्स्ड बाय स्टोरीज टोल्ड इन द महाभारत। इवन जो महाभारत में स्टोरीज लिखी हुई हैं उनके द्वारा भी इनको इन्फोर्स किया जाता था कि तुम उसी में रह सकते हो। जैसे हमने द्रोणा के बारे में पढ़ा है, द्रोणा ने एकलव्य को क्योंकि वो शूद्र वर्ण से था तो उन्होंने उसको मना कर दिया था लेने के लिए, क्योंकि धर्म सूत्रों में लिखा हुआ है कि कोई भी जो शूद्र है वो क्षत्रिय वाली शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता। तो ऐसी कहानियों से, ऐसी स्टोरीज, महाभारत की स्टोरी थी वो, उनसे लोगों को ऐसे समझाते थे इनको मानने के लिए। नेक्स्ट 3.3, नॉन क्षत्रिय किंग्स, अक्षत्रिय राजा। क्या जैसे हमने पढ़ा कि क्षत्रिय क्या बन सकते हैं, सिर्फ राजा बन सकते हैं। अकॉर्डिंग टू शास्त्रस ओनली क्षत्रियज कुड बी किंग्स, जो राजा कौन हो सकते हैं, क्षत्रिय हो सकते हैं। हाउएवर सेवरल रूलिंग लाइनेज हैड डिफरेंट ओरिजिन, ये तो लिखा हुआ ब्रह्म सूत्रों में कि जो क्षत्रिय वो राजा ही होंगे, परंतु कई ऐसे राज्य हैं, कई ऐसे साम्राज्य थे जहाँ पे राजा थे किसी और वर्ण से थे, किसी और वर्ण से मीन्स ब्राह्मण वर्ण से थे या फिर वो शूद्र वर्ण से थे, ऐसे भी कई राजाओं की एग्जाम्पल हमें मिलती है। तो ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है कि डिस्कस या स्पष्ट कीजिए कि क्षत्रिय ही नॉन क्षत्रिय राजा नहीं होते थे, अक्षत्रिय राजा नहीं होते थे। फॉर इंस्टांस सोशल बैकग्राउंड ऑफ द मौर्यंस, एग्जाम्पल लें हम मौर्यंस की, चंद्रगुप्त मौर्य के लें, हु रूल्ड ओवर अ लार्ज एम्पायर, जिसने बहुत बड़े साम्राज्य पे शासन किया था, हैज बीन हॉटली डिबेटेड, उसकी जो बात है वो बहुत ही गर्मजोशी से बहस होती है उस बात के कि वो कौन से क्षत्रिय था, जहाँ वो लो कास्ट था, इसके बारे में काफी डिस्कशन होती है इसके बारे में, मौर्यंस के बारे में, जो जहाँ के बहुत बड़ा चंद्रगुप्त मौर्य रहा है, जिसका जिनका एक कोर्टियर मंत्री भी थे। कौन थे मंत्री आपने पढ़ा हुआ है इसके बारे में, आप वो कर सकते हो इसमें कमेंट बॉक्स में बॉक्स करना कि इनका मंत्री कौन था, मौर्यज का मंत्री कौन था। नेक्स्ट टाइम, वाइल बुद्धिस्ट टेक्स्ट सुजेस्टेड देवर क्षत्रियज, मौर्यज बारे में जो बुद्धिस्ट की बुक्स हैं, जो बुद्धिस्ट है बुक्स उस समय थे, आपको पता है जैन धर्म और बुद्ध धर्म उस समय में फ्लोरिश हुआ था, उसी समय में विकसित हुआ था, तो उन क्षत्रियज में उन्होंने क्या कहा कि ये मौर्यज थे वो क्षत्रिय थे। ब्राह्मणिकल टेक्स्ट डिस्क्राइब देम एज लो कास्ट ओरिजिन, ब्राह्मणिकल बुक्स जो है वो बताते हैं, ग्रंथ बताते हैं कि मौर्यंस थे क्या, लो कास्ट थे, लो कास्ट में शूद्र जो जंगल में रहने वाले थे। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया था। नेक्स्ट एग्जाम्पल एक और है, तो मौर्यन की एग्जाम्पल होगी। नेक्स्ट शुंगास एंड कानवास, इमीडिएट सक्सेसर्स ऑफ द मौर्यंस, मौर्यंस के बाद जो राजा आए शुंगास आए एंड कानवास आए, वर ब्राह्मण्स, ये कहा जाता है कि वो क्या थे, ब्राह्मण थे, वो ब्राह्मण थे। इनफैक्ट पॉलिटिकल पावर वाज इफेक्टिवली ओपन टू एवरीवन, असल में होना तो क्या चाहिए कि राजनीति पावर सबके लिए खुली होनी चाहिए। हु कुड मस्टर सपोर्ट, जिसके पास समर्थन हो, लोगों का समर्थन हो, रिसोर्सेज हो, संसाधन हो, एंड रेयरली डिपेंड ऑन वर्थ एज क्षत्रिय। ये क्षत्रिय जन्म के ऊपर आधारित नहीं होना चाहिए, बल्कि किसके ऊपर होना चाहिए कि अगर व्यक्ति में हिम्मत है, अगर व्यक्ति के पास समर्थन है, जहाँ उसके पास संसाधन है, तो वो क्या है, वो राजा बन सकता है। अदर एग्जाम्पल्स, ये तो शुंगा जैन कर्म जो ब्राह्मण थे, पहले हम देखा मौर्य लो कास्ट थे, शुंगा जैन ब्राह्मण थे। अदर एग्जाम्पल है शाकाज, हु केम फ्रॉम सेंट्रल एशिया, शक लोग जो सेंट्रल एशिया से आए थे, वर रिगार्डेड एज द मलेश, मलेश भी क्या है, लो कास्ट है, मलेश, बारबियंस, आउटसाइडर्स बाई ब्राह्मण्स, ब्राह्मण जिनको क्या समझते थे, ये मलेश थे, ये बाहर से आए थे। एग्जाम्पल ऑफ रुद्रादमन, मैंने आपको पिछले वाले लेसन में बताया था रुद्रादमन, उसने कौन सी लेक बनवाई थी, अगर आपको याद हो तो मेरे को उसमें कमेंट बॉक्स में
वो करना, कमेंट करना कि रुद्रा दमन ने कौन सी वो बनाई थी, लेक बनाई थी उन्होंने, जिसके बारे में आपको बताया था मैंने। इट इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग टू नोट द बेस्ट नोन रूलर ऑफ द 57 डायनेस्टी गौतमी पुत्रा श्री सताकनी क्लेम्ड टू बी द बोथ जमीक ब्राह्मण्स। एक और एग्जाम्पल भी है, एक एग्जाम्पल नोट करने वाली है कि जो 57 किंग्स थे, 57 डायनेस्टी थी, 57 वंश था जो, उसमें गौतमी पुत्रा एंड श्री सताकनी क्लेम्ड टू बोथ, दोनों ब्राह्मण थे। इट मीन्स जो ब्राह्मणों द्वारा लिखा गया था क्षत्रिय राजा हो सकते हैं, पर ऐसी एग्जाम्पल हमें मिलती हैं जो दूसरे वर्ण के लोग भी राजा थे। फ्रॉम दिस एग्जाम्पल वी कैन सी इंटरग्रेशन इंटरग्रेशन विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ कास्ट वॉज आफ्टर अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। तो ये क्या, इसको समझना, ये जो ये एक बड़ी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड, बड़ी मुश्किल सी बात है कि इसको आत्मसात करना, कि जो वर्ण के हिसाब से ही, कास्ट के हिसाब से ही ये जो प्रक्रियाएं चलती थी। 57 वर ब्राह्मण्स वेयर एज अकॉर्डिंग टू ब्राह्मण्स किंग्स आउट टू हैव बीन क्षत्रियस। जबकि हम देखते हैं 57 एंड शुंगाज एंड कनवाज एंड मलेश शाकाज दे वर नॉट क्षत्रियस अकॉर्डिंग टू ब्राह्मण किंग्स आउट टू हैव बीन क्षत्रियस। तो अकॉर्डिंग टू ब्राह्मण्स के राजा सिर्फ क्षत्रिय हो सकते हैं, पर हमारे पास इतनी एग्जाम्पल। आपको क्वेश्चन कैसे आता है, डिस्कस वेदर किंग्स इन अर्ली स्टेट्स वर इनवेरिएबली क्षत्रियस। हमने ये डिस्कस करना है, चर्चा कीजिए क्या आरंभिक राज्यों में शासक निश्चित रूप से क्षत्रिय होते थे, या अपने वर्ण वर्ण व्यवस्था के हिसाब से क्षत्रिय ही राजा होना चाहिए। पर हमने बहुत सारी एग्जाम्पल देखी, मौर्यंस की देखी हमने, शुंगाज एंड कनवाज की, एंड इधर शाकाज की, एंड इधर गौतमी पुत्र सातवाहन किंग्स की, दीज ऑल वर नॉट क्षत्रियस। आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यू कैन देयर मे बी इन द एग्जाम। सो थैंक यू, इफ यू लाइक, इफ यू अंडरस्टैंड देन लाइक इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स।